Assalamu alaikum dears. Acha hum lecturer political science ka AJKPsc ka jo hai paper 2017 ka solve kar rahe the. Uske jo pehle 50 MCQs the wo humne solve kar liye the. Next jo MCQs hai wo hum is dusre part mein dekhte hain. MCQs number 51 hai. No person can hold the office of the president more than. Ki koi bhi banda jo do dafa president ban jata hai to uske baad jo hai wo aain ke mutabik jo hai wo consecutive yani टर्म्स के बाद वो ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकता. तो ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि कितने टाइम के बाद जो वो प्रेसिडेंट दोबारा से जो है वो प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं आ सकता, ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकता. वन टर्म के बाद, टू कंसेक्यूटिव टर्म, थ्री टर्म, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद जो वो दोबारा प्रेसिडेंट यह सब नहीं बन सकता. 52 है, टू मूव अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट इट मस्ट हैव, कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो रेजोल्यूशन पास होती है या रेजोल्यूशन मूव होती है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है. वन हाफ ऑफ द सेनेट टोटल मेंबरशिप, कि जो टोटल मेंबरशिप है सेनेट की उसका हाफ लोगों की राय होनी चाहिए. टू थर्ड्स ऑफ द सेनेट टोटल मेंबरशिप, यानी जो टोटल मेंबरशिप है सेनेट की उसका टू थर्ड होना चाहिए. वन हाफ ऑफ द नेशनल असम्बली टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप पर जो है नेशनल असम्बली की उसका वन हाफ. तो ये दोनों कंडीशन हैं, या तो सेनेट के जो टोटल मेंबर्स हैं उनका वन ऑफ होना चाहिए या फिर जो नेशनल असम्बली उनका वन ऑफ होना चाहिए, तो तभी रेजोल्यूशन जो है वो प्रेजिडेंट के रिमूवल के लिए मूव की जा सकती है. तो मतलब हम कह सकते हैं बोथ ऑप्शन ए एंड सी आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, इन केस द प्रेजिडेंट डिजॉल्व द नेशनल असम्बली ही मस्ट अपॉइंट, कि अगर प्रेजिडेंट सपोज जो वो नेशनल असम्बली को डिजॉल्व कर देता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपॉइंट करेगा किसको. एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, एन अटॉर्नी जनरल, नो केयर टेकर कैबिनेट, नन ऑफ द अबोव, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, वो किसको मतलब अपॉइंट करेंगे. तो वो अगर वो असम्बली को डिजॉल्व करता है तो उसके लिए नेसेसरी है वो किसी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को जो ओ पी एम बनाएगा. 54 है, हु परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ प्रेजिडेंट इन केस ऑफ रिजिग्नेशन और डेथ, कि अगर प्रेजिडेंट या सदर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिज़ाइन कर जाता है तो उसकी गैर मौजूदगी में सदर की जो ड्यूटीज़ हैं ये कौन परफॉर्म करेगा. द इंटीरियर मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली, नन ऑफ द अबोव. तो जनरल अगर देखा जाए मैनी केसेस में यही है, आई में भी यही है कि जो चेयरमैन सेनेट होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और प्रेसिडेंट के रिजिग्नेशन या डेथ की सूरत में वो जो है वो सदर की ड्यूटी परफॉर्म करेंगे. तो चूंकि यहाँ चेयरमैन सेनेट का मेंशन नहीं है तो हम कह सकते हैं नॉन ऑफ द बोथ. 55 है, द मजलिस शूरा इज़ नाउन एज पार्लियामेंट, सेनेट, नेशनल असम्बली, प्रोविजनल असम्बली. जो मजलिस शूरा है बेसिकली पार्लियामेंट को बोलते हैं, इसके दो आप कह सकते हैं आगे सब ऑफिस हैं, एक है सेनेट और दूसरा नेशनल असम्बली. मजलिस शूरा इज़ नॉन एज पार्लियामेंट. 56 है, द मजलिस शूरा कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द प्रोवेंशियल असम्बलीज, नेशनल असम्बली, सेनेट, बोथ बी एंड सी. मजलिस शूरा के दो हाउस हैं, एक है लोअर हाउस नेशनल असम्बली, एक अपर हाउस सेनेट, तो मतलब बोथ बी एंड सी जो है वो ट्रू. 57 है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द नेशनल असम्बली, की नेशनल असम्बली के अंदर टोटल जो सीट्स हैं वो कितनी है. द टोटल सीट्स 342. 58 हैं, अ पर्सन इज़ एंटाइटल्ड टू वोट इफ़, यानी कोई भी बंदा कब वोट देने के लिए एंटाइटल्ड होगा. इफ़ ही इज़ अ पाकिस्तानी सिटीजन, ही इज़ बिलो द एज ऑफ 18, ही इज़ एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, बोथ एंड सी. जी, पहले बात वो उसको पाकिस्तानी सिटीजन आना चाहिए, दूसरी बात उसकी कम अज़ कम एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, तो मतलब बोथ ए एंड सी. 59 है, हाउ मैनी जनरल सीट्स आर एलोकेटेड टू सेंथ असम्बली इन द नेशनल असम्बली, कि जो सॉरी सेंथ जो प्रोवेंस है उसकी नेशनल असम्बली के अंदर कितनी सीट्स उसको अलाट की हुई हैं. तो उसकी जनरल जो सीट्स हैं नेशनल असम्बली में वो 61. 60 है, हाउ मेनी जनरल सीट्स आर लोकेटेड टू फेडरल कैपिटल द नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली के अंदर फेडरल जो कैपिटल है उसकी दो सीट्स. हाउ मेनी जनरल सीट्स आर लोकेटेड टू पंजाब इन द नेशनल असम्बली, जो पंजाब प्रोवेंस है उसकी नेशनल असम्बली के अंदर कितनी सीटें हैं, तो उसकी टोटल 148 जो है वो जनरल सीट्स. 62 है, हाउ मेनी वुमेन सीट्स आर लोकेटेड टू पंजाब इन नेशनल असम्बली, तो टोटल जो पंजाब की सीट्स हैं नेशनल असम्बली में 148, और 148 में से 35 सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं किसके लिए, वुमेंस के लिए. 63, हाउ मेनी जनरल सीट्स आर लोकेटेड टू सिंध इन द नेशनल असम्बली, की नेशनल असम्बली में जो सिंध की जनरल सीट्स हैं वो कितनी है, तो सिंध की जो जनरल सीट्स हैं वो 61 हैं. लेकिन हाउ मेनी जनरल सीट्स आर लोकेटेड टू सिंध इन द नेशनल असम्बली, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है मिस्टेक है या क्वेश्चन में. जनरल सीट्स में चूँकि सिंध की 61 है, वुमेंस की जो है वो 14 है, तो या तो मेरे ख्याल में यहाँ वो मैन होगा, ये जनरल सीट्स हैं तो फिर ऑप्शन में करेक्शन करनी पड़ेगी. तो मेरे ख्याल में यहाँ शायद मिस्टेक है, वुमेन सीट्स है सिंध की नेशनल असम्बली में वो कितनी है, 14. याद रहे 14 जो है वुमेन्स की हैं और जनरल हैं वो 61 हैं.
64 है हाउ मेनी जनरल सीट्स आर एलोकेटेड टू बलूचिस्तान इन द नेशनल असम्बली, कि जो नेशनल असम्बली उसमें बलूचिस्तान की जो है वो जनरल सीट्स कितनी हैं, 14, 13, 16 एंड 17. तो 14 जो है जनरल सीट्स हैं बलूचिस्तान की नेशनल असम्बली में, तीन जो सीट्स हैं वो किसकी हैं, वुमेंस की. हाउ मेनी जनरल सीट्स आर एलोकेटेड टू खैबर पख्तूनख्वा इन नेशनल असम्बली, की नेशनल असम्बली के अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की जो टोटल जनरल सीट्स हैं वो कितनी हैं, 33, 41, 36, 27. तो मेरे ख्याल में यहाँ भी मिस्टेक है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो मुझे लग रहा है वो 33 नहीं बल्कि 35 जो है वो जनरल सीट्स हैं और उनमें से 8 जो है वो मेंस की. तो यहाँ पे 35 तो नहीं है, उसको आपने चेक कर लेना है कि एग्जैक्टली आया कि इनमें से कोई है या फिर 35 ही, मुझे लग रहा 36. हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स इन नेशनल असम्बली, की जो नेशनल असम्बली में टोटल नॉन मुस्लिम्स की सीट्स हैं वो कितनी रिजर्व हैं, तो वो नॉन मुस्लिम्स की सीट्स 10. द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू ईच प्रोवेंस इज डन ऑन द बेस ऑफ, कि जो हर प्रोवेंस को नेशनल असम्बली में या ओवरऑल उसकी जो सीट्स हैं वो किस बेस पर डिसाइड की जाती हैं, पावर्टी की बेस पे, पॉपुलेशन की बेस पे, जियोग्राफिकल साइज की, पॉपुलेशन की बेस, यानी जिस सूबे की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके सीट्स भी ज़्यादा हो. वट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 3 ईयर्स, 5 ईयर, 8 ईयर, 6 ईयर. तो ये तो आपको पता है कि नेशनल असम्बली का जो ड्यूरेशन है वो 5 साल. 69 है, हु कैन समन द मजलिस शूरा अपॉन विल, कि जो मजलिस शूरा उसको समन कौन जारी कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर, मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, वन ऑफ द पार्लियामेंट मेंबरशिप, दी द प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट जो है वो मजलिस शूरा को समन जारी कर सकता है. 77, द नेशनल असम्बली मस्ट बी कन्वेंट फॉर अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी सेशंस ईच ईयर, कि नेशनल असम्बली को मस्ट जो है वो कितने सेशन जो है वो साल के अंदर बुलाने चाहिए मीटिंग के लिए, यानी मीटिंग कॉल करनी चाहिए. तो मस्ट है वो किस कितने करने चाहिए, 3 जो है वो हर हाल में बुलाने चाहिए, 3 के अलावा जो है वो मैक्सिमम भी बुलाए जा सकते हैं. मतलब 3 उनमें अगर देखें ज़्यादातर एक बजट सेशन है, एक विंटर सेशन और एक मॉनसून सेशन है, ये 3 सेशन जो है वो लाजमी बुलाए जाते हैं. 71, वोटिंग इन द नेशनल असम्बली इज डन ऑन द बेस ऑफ, कि नेशनल असम्बली के अंदर वोटिंग किसकी बेस पर की जाती है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप. तो ये की जाती है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, मेंबर्स मौजूद भी हैं और वोटिंग में भी टेक पार्ट कर रहे हैं, इस बेस पर वोटिंग जो है वो करवाई जाती है. नेक्स्ट 72, द प्रेजिडेंट शेल डिजॉल्व द नेशनल असम्बली ऑन द एडवाइस, कि प्रेजिडेंट जो है वो नेशनल असम्बली को डिजॉल्व कर सकते हैं किसकी एडवाइस पे, कैबिनेट की एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, बोथ हैंड भी दोनों. अगर कैबिनेट इंडिविजुअली उसको उनको राय दे एडवाइस करे डिजॉल्व करने के लिए या फिर प्राइम मिनिस्टर दे, दोनों केसेस में वो डिजॉल्व कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, द नेशनल असम्बली कैन ऑल्सो बी डिजॉल्व इफ द स्पीकर ऑफ द हाउस रिजाइन, अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैज बीन पास्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज एबसेंट फ्रॉम द असम्बली. बी जो है कि अगर नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए अगेंस्ट पीएम तो तब भी असम्बली क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाए. 74, द सेनेट इज कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी सीट, कि जो सेनेट है पाकिस्तान का, यानी जो जिसको आप अपर हाउस भी बोलते हैं, उसकी टोटल सीट्स कितनी हैं, तो उसकी टोटल सीट्स 104. हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सेनेट शेल इलेक्टेड बाई मेम्बर्स ऑफ ईच प्रोवेंशियल असम्बली, कि हर प्रोवेंशियल असम्बली जो है उसके जो मेम्बर्स हैं वो कितने सैनटर्स जो है वो तकरीबन सेलेक्ट करते हैं. तो ये हर तकरीबन मेरे ख्याल में 14 जो है, यानी क्वेश्चन ये है कि हर प्रोवेंशियल असम्बली जो है वो कितने सेनेटर सेलेक्ट करती है, क्योंकि 15, 18, 12, 14 दिया हुआ नहीं है, चूँकि हर प्रोवेंशियल असम्बली जो है वो टोटल जो है वो 23 लगभग सेनेटर जो है वो सेलेक्ट करती है, चूँकि इक्वल डिसीजन होता है. तो अब उनमें से अगर देखा जाए 14 जनरल होते हैं और 4 जो है वो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, 4 वुमेन होती हैं और कुछ मेरे ख्याल में 1 नॉन मुस्लिम की सीट होती है. तो इस तरह मिला के टोटल 23 बनते हैं, जो कि 23 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ. तो अब जनरल अगर देखा जाए, जहाँ अगर जनरल की बात हो रही है, तो जनरल जो है वो 14 सीट्स बनती हैं, यानी जनरल हर असम्बली 14 सेनेट को सिलेक्ट करती है, बाकी 4 इसमें टेक्नोक्रेट्स आ जाते हैं, 4 वुमेन आ जाती हैं और 1 नॉन मुस्लिम, तो मिला के टोटल 23 है. तो यहाँ जनरल नहीं लिखा हुआ, ओवरऑल लिखा हुआ देख लें अलबत्त. 76 है, हाउ मेनी सेनेट मेम्बर्स फ्राम द फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्रिबल एरिया, कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेट जो ट्रिबल एरिया यानी फाटा है, उससे कितने जो है सेनेटर मेंबर्स होते हैं, 5, 11, 13, तो उससे कितने होते हैं, 8 होते हैं. 77, हाउ मेनी वुमेन शेल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ईच प्रोवेंशियल असेंबली, कि हर प्रोवेंशियल असेंबली जो है वो कितनी वुमेन्स को सिलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है इसके लिए सेनेट के लिए. तो मैंने अभी बताया कि हर प्रोवेंस से 4 जो है वो वुमेन्स को, 1 नॉन मुस्लिम और 4 टेक्नोक्रेट्स, यानी वुमेन्स भी कितनी इलेक्ट होती हैं, वो 4. 78 है, हाउ लॉन्ग इज़ द टर्म ऑफ द सेनेटर, जो एक सेनेटर है उसका जो टर्म है वो कितना होता है, 8 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स. जो सेनेटर हैं
ये सेनेट का जो यह ड्यूरेशन है वो 6 ईयर. वट इज़ द मिनिमम एज ऑफ टू क्वालिफाई एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली? नेशनल असम्बली का मेंबर बनने के लिए या एम एन एस इलेक्शन के लिए जो कम से कम एज है वो 25 ईयर. वट इज़ द मिनिमम एज टू क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ सेनेट? सेनेट का मेंबर की क्वालिफाई करने के लिए जो एज है रखी हुई है आइन के मुताबिक वो है 30 ईयर्स. असम्बली के लिए, नेशनल असम्बली के लिए 25, सेनेट के लिए 30. इन ऑर्डर टू बी पास्ड अ बिल मस्ट मीट द अप्रूवल ऑफ, कि कोई भी बिल या उसको पास करने के लिए बोथ हाउसेस का ऑर्डर ज़रूरी है. वो एट ईदर हाउस सिंपली मेजॉरिटी एंड द लोअर हाउस सिंपली, नहीं, दोनों हाउसेज में उसका अप्रूवल जो है वो किसी भी बिल को पास होने के लिए ज़रूरी है. उसमें लोअर हाउस का भी रोल है और अपर हाउस. 82, अ मनी बिल कैन ऑनली ओरिजिनेट. मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनेट होता है सेनेट में, नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली, नॉन ऑफ द नेशनल असम्बली. 83 है, द पर्पज ऑफ द कैबिनेट इज टू एडवाइज द प्रेजिडेंट इन कैरिंग आउट द फंक्शन, एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर इन कैरिंग आउट ड्यूटीज बोथ एंड जी. कैबिनेट का पर्पज दोनों को एडवाइस करना होता है, प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, तो कह सकते हैं बोथ एंड बी. 84, हु हेड द कैप्टन कैबिनेट, यानी काबीना का सब हेड कौन होता है? द फाइनेंस मिनिस्टर, द हेड ऑफ द कैबिनेट, द प्रेजिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट को हेड करते हैं. 85 है, हाउ मेनी एडवाइजर कैन द प्रेजिडेंट अपॉइंट, कि जो प्रेजिडेंट है ये सदर है वो कितने मैक्सिमम जो एडवाइजर है उनको अपॉइंट कर सकता है, तो ये नंबर 5. 86 है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन कैन ऑनली बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इफ इट इज सेटिस्फाइड. 40% मेजॉरिटी इन सेनेट, 20% ऑफ टोटल नेशनल असेंबली मेंबर्स, 50% ऑफ टोटल नेशनल असेंबली मेंबर्स. पीएम के अगेंस्ट जो है वो कोई भी नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन उसी वक्त पास की जाती है कब से, जब कम से कम जो 20% टोटल नेशनल असेंबली की मेंबरशिप जो है वो इसके हक में हो, ऑप्शन बी. 87, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर, जो गवर्नर है गवर्नर के लिए मिनिमम एज कितनी होगी? अब गवर्नर के लिए ऐसा अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट मुझे जो है वो आइन के अंदर ऐसा कोई नहीं मिला. जैसे नेशनल असेंबली के मेंबर के लिए 25 है और सेनेटर के लिए 30 है, तो इसके लिए एग्जैक्ट कोई मैंशन नहीं की हुई. तो मतलब ज़ाहिर है कम अज़ कम गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए कि उसकी एज इतनी हो कि वो नेशनल असम्बली का मेंबर बन सकता हो, तो 25 मैं लगा देता हूँ, लेकिन इसको चेक कर लिया. 88 है, द गवर्नर कैन नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ, कि गवर्नर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता या इलेक्शन के लिए कंटेस्ट नहीं कर सकता जब तक वो आप ये कह लें किसी भी असम्बली या पार्लियामेंट का वो हिस्सा है. तो मतलब हम क्या सकते हैं, दोनों पार्लियामेंट का हिस्सा है गवर्नर तो तब भी, प्रोविंशियल असम्बली का पार्ट है तो तब भी, दोनों केस में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता. जब ये जिम्मेदारी छोड़ेगा तो तभी इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू बलूचिस्तान प्रोविंशियल असम्बली, जो बलूचिस्तान प्रोविंशियल असम्बली है उसके लिए जो टोटल सीट्स हैं नेशनल, टोटल सीट्स जो प्रोविंशियल असम्बली में वो कितनी एलोकेटेड हुई हैं, तो 65 सीट्स. 90 है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल असम्बली, तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो 145 हैं. तो 145 का यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, और 145 में से अगर देखें 115 जो है वो रेगुलर सीट्स हैं, 26 जो है वो वुमेंस की और 4 नॉन मुस्लिम्स की. तो अब यहाँ पे नहीं जो जनरल 115 का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ना, टोटल 145 का दिया हुआ है. तो बहर इसको चेक कर लें कि ये यहाँ पे एग्जैक्ट कौन सा है. 91 है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू सेंट प्रोविंशियल असेंबली, सेंट प्रोविंशियल असेंबली उसकी जो टोटल सीट्स हैं वो 168 हैं. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने 168 जो है 168 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ. अब 168 सेंट असेंबली की टोटल हैं, 130 जनरल हैं, उनमें से 29 वुमेन की और 9 मुस्लिम्स की, नॉन मुस्लिम्स की. अब 168 भी नहीं है और 130 अगर जनरल का होता तो वो भी यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी चेक कर लेना. आया यहाँ 165 टोटल आ रही है, मेरे ख्याल में 168 है. 92 है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू पंजाब प्रोविंशियल असेंबली, जो पंजाब की टोटल सीट्स हैं पंजाब प्रोविंशियल असेंबली की, तो 371 हैं. पंजाब असेंबली की टोटल 371 हैं, जिनमें से वुमेन्स की 66 हैं, नॉन मुस्लिम्स की 8 हैं, और जनरल अगर कहें तो 297 हैं. तो ओवरऑल जो टोटल बनती हैं वो 371. 93 है, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन द सिंध प्रोविंशियल असम्बली, की जो सिंध प्रोविंशियल असम्बली है उसके अंदर टोटल जो वुमेन्स की सीट्स हैं वो कितने हैं, तो वुमेन्स की 29 है. मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम सिंध प्रोविंशियल असम्बली की बात करें टोटल उसमें 168 हैं, जिनमें से 130 जनरल हैं और 29 वुमेन की हैं, 9 नॉन मुस्लिम्स की हैं, तो वुमेन्स की कितनी है, 29. 94 है, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन द पंजाब प्रोविंशियल असम्बली, की जो पंजाब प्रोविंशियल असम्बली है उसकी टोटल 371 है
और उनमें से 66 वुमेन के लिए और 8 नॉन मुस्लिम्स के लिए, तो वुमेन्स के लिए कितनी है 66, टोटल 371 है। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन कैपी के प्रोवेंशियल असम्बली, कैपी के की असम्बली है उसके अंदर वुमेन्स के लिए कितनी सीट्स हैं। कैपी के अंदर मेरे ख्याल में, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था, 145 मेरे हिसाब से टोटल हैं, जिनमें से 155 रेगुलर हैं ये जनरल हैं, 26 वुमेन के लिए, 4 नॉन मुस्लिम्स के लिए, तो यहाँ पे 26 भी नहीं है वुमेन का, तो इसको भी देख लेना आया एग्जैक्ट क्या। 96 है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन बलोचिस्तान प्रोवेंशियल असम्बली, कि जो बलोचिस्तान प्रोवेंशियल असम्बली है उसमें वुमेन्स की कितनी है। टोटल सीट्स बलोचिस्तान प्रोवेंशियल असम्बली में 65 हैं, जनरल 51 हैं, वुमेन की 11 है और नॉन मुस्लिम की 3 हैं, तो वुमेन की यहाँ पे 11 दिया हुआ है, तो वुमेन्स की बलोचिस्तान असम्बली में जो सीट्स हैं वो 11। 97, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम इन बलोचिस्तान प्रोवेंशियल असम्बली, बलोचिस्तान प्रोवेंशियल असम्बली उसमें जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके जो सीट्स हैं वो 3 सीट्स हैं। 98, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम इन पंजाब प्रोवेंशियल असम्बली, पंजाब की जो असम्बली है वहाँ जो नॉन मुस्लिम की सीट्स हैं वो कितनी हैं, तो वहाँ पे 8 सीट्स हैं। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम इन सिंध प्रोवेंस, सिंध असम्बली में जो नॉन मुस्लिम की सीट्स हैं वो मेरे ख्याल में 9 है। 100 है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम इन केपी के असम्बली, केपी के अंदर 2, 3, 5 केपी के असम्बली में नॉन मुस्लिम की सीट मेरे हिसाब से 4 है, इसको भी आपने कन्फर्म कर लेना है, मेरे हिसाब से नॉन ऑफ दीज है क्योंकि 4 नॉन मुस्लिम। तो ये 2017 का लेक्चर पॉलिटिकल साइंस का पेपर था जिसको हमने 2 पार्ट में सॉल्व किया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है वो हम लेक्चर 2019 का, वो जो सब्जेक्ट्स जिसके पेपर हैं वो भी मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके आपके साथ शेयर करूँगा।